गया के पूर्व सांसद राजेश कुमार का मनाया गया 15वां शहादत दिवस। नहीं मिला 15 साल बाद भी मेरे पिता को न्याय, विधायक। बोध गया, आज दिन बुधवार को गया के पूर्व सांसद राजेश कुमार का 15वां शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर गया एवं गया जिले के विभिन्न इलाकों से आए विभिन्न पार्टियों के नेताओं एवं आम नागरिकों ने पूर्व सांसद के मूर्ति पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गुरुवा के विधायक राजीव नंदन ने कहा कि चाचा जी हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं, दलितों को हक दिलाने में उनका योगदान अनुकरणीय रहा है। आदरणीय स्वर्गीय राजेश जी के, स्मरणीय राजेश कुमार जी के, पूर्व सांसद का आज स्मरणीय तारीख है। समाज के लिए इन लोगों ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी है हमारे गाँव जी के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर इन लोगों ने एक जमाने में काम किए थे। उस समय कांग्रेस के विरुद्ध में सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, तो उस समय से बोधगया में इनको लाकर सब लोग जितने समाजवादी से आगे बढ़ाने का काम किए। 7 दिन हमेशा पिताजी के साथ काम किए, साथ रहे, और कहीं ना कहीं आज हम उनके लड़के के रूप में हैं। हमेशा हम लोग को मार्गदर्शन मिला है। हम लोग पूरे परिवार, हम लोग हमेशा यहाँ हमेशा आया करते थे। हम लोग को हमेशा चाचा चाचा से संबंध रहा करता था। हम लोग को भी आगे बढ़ाने में। वहीं बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत ने पिता की हत्या के दिन को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं बिहार के मुख्यमंत्री सभी के पास न्याय की गुहार लगाने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिला, हमें इसका मलाल है। इनकी शहादत दिवस मनाते हैं और इनकी जो विचार थी और इनका जो कमिटमेंट था जनता के प्रति, गरीबों के प्रति, अकलियतों के प्रति, सभी समाज के प्रति, शायद अभी जिला को विगत कई वर्षों से नहीं मिला है। और आज भी लोगों के मन में एक मलाल होता है कि ऐसे लोग अब इस मगध की धरती पे नहीं मिलेंगे। और हम चूँकि स्थानीय विधायक हैं और उनके पुत्र हैं, तो मुझे भी मलाल है कि हमने देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक हमने कई बार आग्रह किया कि हमको न्याय मिलना चाहिए। और एक शिष्टाचार मुलाकात, हम लोग एक ट्रेन से आ रहे थे और उन्होंने, हमने एक प्रश्न पूछा था कि आखिर आपके राज में गरीबों को, दलितों को न्याय क्यों नहीं मिलता है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने, कि आपके परिवारों के साथ हम न्याय नहीं दे सके, यह मुझे मलाल है। और आज मैं अगर भारत के गृह मंत्री का बात माना होता तो शायद अपराधी खुले मैदान में आज नहीं घूमते।